हेलो जी कैसे हो जी आप सब? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बढ़िया ही होना चाहिए सारे। आज हम बना रहे हैं जी मीठा दलिया। क्या बात है, दलिया मीठा। मैंने ये वाला दलिया लिया है, ये देखो वो। फिर बाद में कई बार कुछ बच्चे पूछते हैं ना कि कौन सा दलिया है। ये दलिया ये तकरीबन हर जगह मिल जाता है यहाँ इंडिया में। तो दलिया नहीं, पर महाराज तो मर्जी ले लो। ये काफी ब्रीक है जी। ठीक है जी, चलो जी। ये हमने रख लिया जी कुकर। इसमें मैंने ये इतना एक कप, 3/4 कप है ये। वैसे पूरा एक नहीं है, पर ये एक मेजरमेंट है। ठीक है जी, ठीक है ना। हाँ जी, ये 3/4 है, आप एक कप समझ लो इसको बस। ठीक है, ये हमने इसमें डाल दिया जी देसी घी। ये 1/4 कप से थोड़ा सा कम था, 3-4 चम्मच है ये नॉर्मली जो चम्मच होते हैं हमारे। तो मैंने ऐसे ही इसमें डाल लिया। लो जी, इनू गर्म हो जाएगा ना जदों अपना देसी घ्यो, दलिया देसी घ्यो जी बनाओ। क्योंकि जिस तरह आप कड़ा प्रसाद बनाई था, देखता चलो जो प्रसाद वाली है तो देसी घ्यो ची बनती है, लेकिन हम वैसे भी अगर हलवा बनाए तो वो देसी घी में ही अच्छा लगता है। तो इदा ही ये जड़ा है भी देसी घ्यो ची चंगा लगता है। चलो ये हल्का हल्का गर्म हो गया, ये बीच में पा देना जी। ठीक है, इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह डालोगे? हाँ हाँ, सब कुछ डालूंगे सर। ड्राई फ्रूट के बिना तो ये अच्छा ही नहीं लगता। बस ये रोस्टेड है, लेकिन मैं हल्का जेनू ए देसी घ्यो च कर लाँगी। जे तुहाडा दलिया मतलब रोस्टेड नहीं है तो थोड़ी देर ज़्यादा कर लो। ठीक है, हल्का जहा ब्राउन हो जाता है जदों कणक है ना, थोड़ी जी भुन लेनी चाहिए है। ठीक है, ये हमने कर लिया। खुशबू आ गई पूरी। हाँ, खुशबू आ गई ना। चलो जी, हुण इहदे च असी पानी पा देना। ये दो और ये तीन, जितना दलिया है। हाँ, तीन पानी से डाल दिया हमने। ठीक है जी, बस इसमें अब हमने ये डाल देनी है जी। ये है सौंफ और थोड़ी सी छोटी इलायची कुटी हुई। ठीक है, बेशक ये हुण पा दो, बेशक ये बाद च पा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो जी, इन हुण आपां बंद करांगे, पिसल्स दिलवाने हैं। ठीक है, हाँ जी, इधर हो गई जी विसल्स। मैं दो विसल दिलवाईया है। इधर मैं एक पैन रख लिया, माड़ा जहा ना मात्र देसी घ्यो पा लिया। ठीक है, इनू गर्म करके ये काजू मेरे रोस्टेड ने। ठीक है, ये मैं एंड च ही पावगी। और बादाम और ये किशमिश और ये सूखा नारियल। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैंने काट लिया, ये इसमें रोस्ट कर देंगे। ठीक है, क्यों थोड़े जे भुन लेने हैं, थोड़े जे हल्के जे। ठीक है, ये थोड़ा गर्म हो जाए फिर ये मैं पानी हाँ। जितनी देर ये गर्म हो रहा है इसको हम खोलते हैं। यदि स्टीम आप नहीं मैं निकाली, ये पड़ा रहा। हाँ, ये पड़ा रहा, ये देखो ये हो गया बिल्कुल सेट। इसको अभी हम छेड़ते नहीं, इसको अभी ऐसे रखते हैं। इधर हो गया जी ये है। क्या हो रहा है? थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा सेक तेज नहीं रखना, बड़ी जल्दी जल्दे या फिर सारा ड्राई फ्रूट जड़ा है। काजू मेरे रोस्टेड है, इस करके काजू मैं बाद चे मिक्स कर देंगे। साथ ही मैंने ये क्या बोलते हैं इसको, ठूठी। तू हंसता है ना मेरे पे, खोपे की ठूठी। अच्छा, ये को आप मुझे बताना कि आप लोगों के घरों में भी किस किस के घर में ठूठी बोलते हैं? खोपा तो बता। ये बहुत मजाक उड़ाता है मेरा, ठूठी खोपे दे की बोल रहे हैं नू। नारियल और ये स्योगी किशमिश। ठीक है जी, बस। और ये मैंने डाल दिया काजू। ड्राई फ्रूट अपने हिसाब ना, जिड़ा मर्जी तुसी पाओ, जो तो अनु चंगा लगता है। ठीक है, लो जी ये हमारा हो गया। बस ये ना नारियल बड़ी जल्दी, ये टूटी बड़ी जल्दी बोल देती है। लो जी, ये इसको मैंने इधर निकाल लेना है। ठीक है जी, और गैस बिल्कुल कम कर देनी है। इसमें मैंने थोड़ा सा डालना है पानी, थोड़ा सा पानी डालना है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालना। और
मैं पौना कप के एक कप ओ पाया ना दलिए का जेड़ा भी तुसी मेजरमेंट लई है ना बस मिक्स कर लेना बस इन होर कुछ नहीं करना मिक्स बनाता लो जी क्योंकि ये गर्म सी पहले ही हूँ इन लियाओ इधर इस तरफ करो अब मैं ये दिखाती हूँ आपको ये देखो ये कितना अच्छा हुआ है क्या बात है ठीक है ये बिल्कुल नीचे नहीं लगा अब ये मैंने इसमें डाल देना है अच्छा और साथ में ही डाल देना है ये सारा तो बताओ ने मीठा दलिया खाया बड़ी बार है पर बनता हुआ पहली बार ये लो जी बिल्कुल ये देखो इधर सिम पे है ये देखो बिल्कुल मिनिमम पे है एक चम्मच मैंने अब इसमें डाल देना है जी मिल्क पाउडर का ठीक है बस इसको कर देना है मिक्स क्योंकि हम इस इन असी पानी च ही बनाया है ना जी तो दुध वाला थोड़ा जहा फ्लेवर लियाने लिए मिल्क पाउडर पाता बस ये हो गया बस इनू आप हम थोड़ी देर ले सिम ते ही है ये थोड़ी देर लिए आप ढक देना ठीक है बस फिर मिल दें थोनू ओके जी लो जी ये चार पाँच मिनट पड़ा रहा है सिम पे ओहो इसमें तो घी घू छोड़ दिया घी भी छोड़ दिया ये देखो ये तो दलिया हलवा बन गया इतना बढ़िया ये देख क्या बात है क्या ये थोड़ा स्मिज गया जिन्हों कहते हैं ना भी जे हल्की जी कणी होंगी है जड़ी ओ ये फिर सॉफ्ट हो जाता है थोड़ी देर इस तरह रखना हूँ प्लेटिंग करके तो आनु मिल दें ठीक है चलो जी क्या बात है शाइन देखो कितनी बढ़िया है मजेदार हाँ जी हमने थोड़ा सा ही बनाया करें टेस्ट गरम अभी भी बहुत है फूक मारो फिर साइड साइड से खिलाती हूँ तेरे को साथ में ये थोड़ा सा खोपा टूटी थोड़ा सा नारियल ओए हो 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 मीठा कैसा है बिल्कुल परफेक्ट अगर आप ज्यादा मीठा खाते हो तो बराबर बराबर चीनी डाल दो मैंने कम डाली है थोड़ी बहुत बढ़िया नजारे आ सच्ची ओहो हो सच सच नहीं नहीं तू खा और तो बहुत ही बढ़िया बना दलिया भी परफेक्ट पका हुआ है ये आटे का हलवा ही होया ना एक तरह हाँ। लेकिन ये आटा बारीक नहीं पीसे होया कणक नु है ना मोटी पीसी हुई है नु दलिया बोल देने आपा बहुत बढ़िया ओहो सच में बहुत बढ़िया आप खा के देखो नजारे है नजारे पूरे है नहीं मैंने ना इसलिए कम लिया क्योंकि ये ब्राउन शुगर पड़ी हुई है इसमें हाँ आपने ब्राउन शुगर यूज करी है ना उससे भी फ्लेवर बड़ा अच्छा आया ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਚੀਨੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਨ ਗਰਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਦੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੀ ਬਸ ਉਹ ਘੁੱਲ ਜਾਏ ਬਸ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਪਾਣੀ ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਘੁੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਜਦੋਂ ਕਾ ਕੁੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦਲੀਆ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂ ਜੇ ਪਤਲਾ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਓ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਪਤਲਾ ਖਾ ਲਓ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਗੁੜ ਗੁੜ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਰਾਊਨ ਸ਼ੂਗਰ ਪਾਈ ਉਵੇਂ ਗੁੜ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਪਾ ਲਓ ਅੱਧਾ ਪਾ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿੱਠਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪੌਣਾ ਕੱਪ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ 'ਚ ਪੌਣੇ ਕੱਪ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਸੀ ਬਰਾਊਨ ਸ਼ੂਗਰ ਉਹ ਪਾਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਿੱਠਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਫਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੁੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਫਰੀ ਪਾਓ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਸਮਿਜਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗਰਮ ਹੈ ਹੌਟ ਪਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਮ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਬਣਿਆ ਮਾਰੀ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਬਣਿਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਬਣਦਾ ਅਗਰ ਆਪ ਐਸੇ ਬਣਾਤੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤੋ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸੌਂਫ ਹੈ ਔਰ ਛੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚਾਹੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਫਲੇਵਰ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਮੌਸਮ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕੁਛ ਮਿੱਠਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਿੱਠੇ ਦਲੀਏ ਦਾ ਮਜ਼ਾ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਦਲੀਆ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਬਣਾਓ, ਖਾਓ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇ ਕਰੋ। ਔਰ ਕਮੈਂਟਸ ਮੇਂ ਮੁਝੇ ਬਤਾਓ ਕਿ ਹਮ ਐਸੇ ਬਣਾਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਹਮਨੇ ਐਸੇ ਬਣਾਇਆ, ਹਮਾਰਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਬਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਤਬ ਤੱਕ ਹਮਾਰੀ ਤਰਫ ਸੇ ਬਾਏ ਬਾਏ। ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਕੇ ਸਾਥ, ਓਹ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਕੇ ਸਾਥ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਕੇ ਸਾਥ ਹਮਾਰੀ ਤਰਫ ਸੇ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਬਾਏ ਬਾਏ।